हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड एजेंसी। और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ टॉप 5 अपकमिंग सैमसंग स्मार्टफोन इन 2021। 2021 में अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हो गाइज, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A52 है दोस्तों। बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और फोन के टॉप मिडिल में आपको पंच ऑन लॉन्च दिया गया है, जहां पर फ्रंट फेसिंग कैमरा का सेटअप होगा। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इन डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल का होगा, साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ से इस स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। हार्डवेयर की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A52 में आपको स्नैपड्रैगन का 750G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, विद ऑक्टा कोर 2.4 GHz के प्रोसेसर के साथ। जो GPU आपको एड्रेनो का 620 का देखने को मिलेगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 जो है आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद लेटेस्ट सैमसंग वन UI के साथ। रैम एंड रोम वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि है 6GB रैम, साथ ही यहाँ पे आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 4000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पे आपको 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 के स्टार्टिंग वेरिएंट के प्राइस के बारे में दोस्तों। तो 6GB रैम एंड 128GB वाला जो इंटरनल स्टोरेज है, इसका प्राइस आपको 29,999 पड़ेगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी A52 24 जनवरी 2021 में लॉन्च हो सकते हैं। दूसरा स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A72 है दोस्तों। बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और फोन के टॉप मिडिल में आपको पंच ऑन लॉन्च दिया गया है, जहां पर फ्रंट फेसिंग कैमरा का सेटअप होगा। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इन डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा वो आपको 64 मेगापिक्सल का है, साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ से इस स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। हार्डवेयर की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A72 में आपको स्नैपड्रैगन का 765G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा विद ऑक्टा कोर 2.6 GHz के प्रोसेसर के साथ। जो GPU आपको एड्रेनो का 620 का देखने को मिलेगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 जो है आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद लेटेस्ट सैमसंग वन UI के साथ। रैम एंड रोम वेरिएंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दो डिफरेंट रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, 6GB रैम एंड 8GB रैम वेरिएंट। साथ ही यहाँ पे आपको 128GB एंड 256GB वाला इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A72 में आपको 4500mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पे आपको 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A72 के स्टार्टिंग वेरिएंट के प्राइस के बारे में दोस्तों। तो 6GB रैम एंड 128GB वाला जो इंटरनल स्टोरेज है, इसका प्राइस आपको 34,999 पड़ेगा। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें दोस्तों, तो सैमसंग गैलेक्सी A72 12 जनवरी 2021 में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। तीसरा स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M42 है दोस्तों। बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और फोन के टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको पंच ऑन लॉन्च दिया गया है, जहां पर फ्रंट फेसिंग कैमरा का सेटअप होगा। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको साइड माउंट में देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा वो आपको 64 मेगापिक्सल का है, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ से इस स्मार्टफोन में आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। हार्डवेयर की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M42 में आपको स्नैपड्रैगन का 732G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि इससे पहले आपको पोको X3 में देखने को मिल चुका है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर दोस्तों। साथ ही यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर 2.2 GHz का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और जो GPU आपको एड्रेनो का 618 का देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 10 जो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद सैमसंग वन UI 2.5 के साथ। रैम एंड रोम वेरिएंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दो डिफरेंट रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, 4GB रैम एंड 6GB रैम। साथ ही यहाँ पे आपको 64GB एंड 128GB वाला इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M42 में आपको 6000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पे आपको 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M42 के स्टार्टिंग वेरिएंट के प्राइस के बारे में दोस्तों। तो 4GB रैम एंड 64GB वाला जो स्टार्टिंग वेरिएंट है, इसका प्राइस आपको 19,999 पड़ेगा। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M42 5 फरवरी 2021 में लॉन्च होने वाला है दोस्तों।
चौथा स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M12 है दोस्तों। बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा और फोन के टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको पंच ऑन लॉच दिया गया जहाँ पर फ्रंट फेसिंग कैमरा का सेटअप होगा। साथ ही जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको साइड माउंट में देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा वो आपको 13 मेगापिक्सल का होगा, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ से इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। हार्डवेयर की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M12 में आपको स्नैपड्रैगन का 450 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा विद ऑक्टा कोर 1.8 GHz के प्रोसेसर के साथ। जो GPU वो आपको Adreno का 508 का देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको Android 10 जो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद Samsung One UI 2.5 के साथ। रैम एंड रोम वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि 3GB रैम एंड 32GB वाला इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी M12 में आपको 7000mAh का बैटरी दिया गया है जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 में भी देखने को मिला था। साथ ही यहाँ पे आपको 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्टार्टिंग वेरिएंट के प्राइस के बारे में दोस्तों। तो 3GB रैम एंड 32GB वाला जो इंटरनल स्टोरेज है इसका प्राइस आपको 12,499 पड़ेगा। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें दोस्तों तो सैमसंग गैलेक्सी M12 जो ये 5 मार्च 2021 को लॉन्च होने वाला है दोस्तों। 5 मार्च स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा है दोस्तों और ये स्मार्टफोन एक फ्लैक्सेस स्मार्टफोन है जहाँ पे आपको एक फ्लैक्सेस स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में आपको 6.8 इंच का QHD प्लस डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही यहां पे आपको एक फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में आपको अंडर डिस्प्ले में कैमरा देखने को मिलने वाला है। साथ ही यहां पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इन डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा वो आपको 108 मेगापिक्सल का है, साथ ही 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस एंड 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा। बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की बात दोस्तों तो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में आपको 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि अंदर डिस्प्ले में फिट होगा दोस्तों। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के हार्डवेयर के बारे में तो इस स्मार्टफोन में आपको सैमसंग का एक्सिनोस 2100 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 जो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद सैमसंग वन यूआई 3.0 के साथ। रैम एंड रोम वेरिएंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको सिंगल रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि है 12GB रैम वेरिएंट। साथ ही यहाँ पे आपको 128GB एंड 256GB वाला इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पे आपको 45W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्टार्टिंग वेरिएंट के प्राइस के बारे में दोस्तों तो 12GB रैम एंड 128GB वाला जो इंटरनल स्टोरेज है इसका प्राइस आपको 92,999 पड़ेगा। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें दोस्तों तो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा जो है ये 21 फरवरी 2021 में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। तो ये पांचों स्मार्टफोन 2021 में लॉन्च होने वाला है दोस्तों और ये जो स्मार्टफोन है वो जनवरी से मार्च के बीच में ही लॉन्च हो जाएगा। अगर आप 2021 में एक सैमसंग का स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हो गाइस तो ये पांचों स्मार्टफोन आपके लिए बेटर हो सकता है। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा मुझे कि कौन सा स्मार्टफोन 2021 में आप परचेज करने की सोच रहे हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हमें मिलता है एक न्यू और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।